जेपी हॉस्पिटल मुरादाबाद में फैलाई डाइजेस्टिव संबंधित रोगों के प्रति जागरूकता, पाचन संबंधित रोगों का इलाज का विस्तार छोटे मोटे खानपान से लेकर बड़ी बड़ी सर्जरी तक है। हाल ही में जेपी अस्पताल ने 22 अगस्त को मुरादाबाद में विलेज रेस्टोरेंट कार्ट रोड मार्ग मुरादाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां डॉक्टर राजेश कपूर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ डीआई एंड हेप्टोपैंक्रियाटोबिलरी सर्जरी जेपी अस्पताल नोएडा ने डीजी जैज ऑफ द डाइजेस्टिव टेक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी के विषय में बात रखी। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जन साधारण तक ये मैसेज देना चाहते थे कि पाचन तंत्र से संबंधित जितने रोग हैं और बहुत से ऐसे विषम रोग जो पहले नहीं देखने में मिलते थे अब मिलने लगे हैं, उनके बारे में पब्लिक को जानकारी मिले, पाचन तंत्र में होने वाले जो कैंसर हैं उनकी जानकारी पब्लिक को मिले, जो मॉर्बिड ओबेसिटी या मोटापा और मोटापे से होने वाली बीमारियां, शुगर है, उनके बारे में हम जानकारी दें, किस तरह पाचन तंत्र का शल्य चिकित्सक आपको इन विषम परिस्थितियों में मदद कर सकता है, पाचन तंत्र के कैंसर की अगर समय से जाँच हो जाए तो उनको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जो लोग ऑपरेशन के बाद किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हैं उनमें री ऑपरेटिव सर्जरी करके हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं, जन साधारण तक जो वार्निंग सिग्नल हैं डाइजेस्टिव डिजीज के वो भी हमने आप मीडिया बंधुओं के सामने रखा कि किस तरह पीलिया के मरीज को चाहिए कि वो समय रहते अपनी जाँच कराए, या मल के रास्ते खून का आना है, किस तरह से लोग अपने लेवल पर उसे बवासीर मान के इलाज करते रहते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मरीजों में अल्सरेटिव कोलाइटिस या रेक्टम का मलाशय का कैंसर जैसी रोग भी हो सकते हैं। तो हमारा इस प्रेस वार्ता से माध्यम से पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाना था कि पाचन तंत्र में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और बहुत सारी बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं, अगर हम समय रहते उनके लक्षणों के बारे में एजुकेट हो जाएँ तो हमें एक क्वालिफाइड डाइजेस्टिव स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जो उनकी तफसीस करे और बीमारी का सही पता लगने के बाद उसका सही इलाज हो। हिंदुस्तान मोटापे की कैपिटल हो गया है, जो थर्ड नंबर पे है, और डायबिटीज़ की कैपिटल है वर्ल्ड में, तो डायबिसिटी जहां मोटापा और शुगर दोनों ही बीमारियां हैं, इन मरीजों में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो रहा है तो हम लोग ऑपरेशन करके उनको मोटापे और ब्लड शुगर डायबिटीज़ दोनों से आराम पहुँचा सकते हैं। तो आज चर्चा का विषय यही था कि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए और उनको अवेयर कराया जाए कि पाचन तंत्र के लक्षणों को बहुत समय तक इग्नोर ना करें, उनका नीमी हकीमी इलाज ना कराते रहें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां समय रहते इलाज करने से कंट्रोल हो सकती हैं।